हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कई बार एलसीडी में काले कलर के मोटे मोटे डॉट आ जाते हैं, तो उसको किस तरीके से रिमूव करते हैं, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो में, बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाया है, फुल डिटेल से बनाया है मैंने, किस तरीके से जो काले डॉट आ गए थे हमारी एलसीडी में उसको मैंने किस तरीके से रिमूव किया, स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से बताया है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और दोस्तों आप मुझे किसी भी टॉपिक पे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। दोस्तों आप मुझे कोई सा भी कमेंट करें, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे पास MI का नोट फॉर मोबाइल है, इसमें आपको काले कलर के चार डॉट दिख रहे होंगे। तो इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये चारों डॉट आपको गारंटी के साथ मैं निकाल के दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बहुत ही स्पेशल वीडियो। आपको कई बार आपकी LCD में भी ऐसे डॉट आ जाते होंगे, तो आपको उसको किस तरीके से रिमूव करना है आज की इस वीडियो में फुल डिटेल से बताऊँगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको चार डॉट दिख रहे हैं, मैं इसको किस तरीके से निकालता हूँ, क्या क्या करता हूँ, किस क्या क्या स्टेप फॉलो करता हूँ, उस चीज़ को ध्यान से देखना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो हम इसके सामान लगे हुए हैं LCD को बाहर निकाल लेते हैं खोल के। फिर सबसे पहले तो अगर आपकी LCD में डॉट है तो सबसे पहले तो उस पर OCA लगा ले दोस्तों। OCA लगाने के बाद हमें इसको बबल रिमूवर होता है ना, उसमें डालना है दोस्तों। सबसे पहले OCA लगा लेते हैं, थोड़ा फास्ट करके OCA लगा लेता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने OCA लगा लिया, और साइड की OCA कटिंग कर ली, और हम इसको अब मैं इस पर है ना LCD पे साइन कर देता हूँ, पीछे भी साइन कर देता हूँ, फ्रंट पे भी साइन कर देता हूँ, और पत्ते पे भी साइन कर देता हूँ। आपको डाउट ना हो, हमारी वही LCD है इसलिए मैं साइन कर देता हूँ दोस्तों। इस तरीके से मैंने पत्ते पे डिस्प्ले पे साइन कर दिया। अब हम इस LCD को बबल रिमूवर में डालेंगे। तो दोस्तों इस स्टेप को प्रॉपर तरीके से देखना, मैंने बबल रिमूवर डालते समय क्या क्या किया है, बहुत ही स्पेशल चीज़ है ये दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको मैंने साइन कहाँ कहाँ करा है। अब हम इसको बबल रिमूवर में डालेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये हमारी LCD है, अब हम इसको बबल रिमूवर में डालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको बबल रिमूवर डालेंगे, और है ना कुछ सेकंड चलने देंगे, कुछ सेकंड बोल रहा हूँ दोस्तों, और उस और हैंड टू बाहर निकालना नहीं है मतलब, और मशीन को बंद कर देना, क्योंकि जब आप मशीन को बंद करेंगे तो जो बबल रिमूवर जो हवा भरी हुई वो प्रेशर से बाहर निकलेगी। तो प्रेशर से बाहर निकलते वक्त जो बबल जो डॉट है हमारी LCD में उस पर दबाव पड़ेगा, और उसको भी प्रेशर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी दोस्तों LCD में जो डॉट हैं। इस तरीके से मैंने बंद करी मशीन और दोबारा चालू कर दी, जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं। एक दो बार मैंने ऐसा करा है, क्योंकि जो इस तरीके से हम 12 मिनट के बाद LCD को बाहर निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया हमारी LCD पे। इस तरीके से मैंने एक बार और चालू कर दी दोस्तों, और हैंड प्रिंट बंद कर दिया। इस चीज़ पे दोस्तों ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने LCD डाली और हैंड प्रिंट बंद कर दिया मशीन को। उससे ना क्या होता है, LCD की जो डॉट है उस पर प्रेशर पड़ता है, और वो LCD जो डॉट है कम होने लगते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम एक बार LCD चेक कर लेते हैं हमारे कितने डॉट होते हैं, वो कितने निकल चुके हैं। सबसे फटाफट हम सेट को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं हमारे LCD के जो डॉट है कितने कम हो गए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है दोस्तों। अब हम चेक करेंगे कितने डॉट कम हुए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कितने एक डॉट तो गायब हो गया है, और जो तीन डॉट बचे हैं ना वो भी बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, मतलब जो डॉट है ना खिंच के रहे ना लंबे हो गए हैं हल्के से। तो दोस्तों इसको भी मैं प्रॉपर तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया बबल रिमूवर में। मैंने LCD को कई बार डाली है और निकाली है। इस तरीके से आपको एक दो बार और करना पड़ेगा, और ये जो डॉट दिख रहे हैं ना आपको गारंटी के साथ रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों कई बार LCD में और बड़े बड़े डॉट हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि उसमें भी यही स्टेप थोड़ा फॉलो करो। अगर LCD के डॉट निकल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं निकलते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे निकल जाते हैं। कई बार ये जो अपन वायर से LCD उतारते हैं तो LCD के कलर फैल जाते हैं,
तो ये वही डॉट होते हैं दोस्तों। इसको आप इस तरीके से बबल रिमूवर में डाल डाल के एक बार तो निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर बबल रिमूवर से भी नहीं निकलता है दोस्तों, तो आप कस्टमर को लगा के दे सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक भी निकल जाता है दोस्तों। मेरे पास कई बार आ जाते हैं डॉट, तो मैं कस्टमर को गारंटी के साथ दे देता हूँ, भैया आप ले जाओ फ़ोन, मेरी रिस्क है, मेरी गारंटी है, ये डॉट नहीं गए तो मैं LCD दोबारा लगा के दे दूँगा। लेकिन कोई कस्टमर जल्दी आता नहीं है, और क्योंकि उनकी है ना ये डॉट होते हैं ना, ये निकल जाते हैं, इसलिए वो लोग आते नहीं हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने मशीन में LCD को डाली बबल रिवर्स में, और हैंड टू हैंड मशीन को बंद करी और हैंड टू हैंड चालू करी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके जो LCD के जो डॉट होते हैं ना, उस पर प्रेशर पड़ता है और वो खींच के बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस तरीके से हमारे जो है ना LCD के डॉट गायब हो जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम इसको चलने देंगे 13 मिनट के आसपास। आफ्टर 13 मिनट दोस्तों, 13 मिनट के बाद आप मशीन में भी टाइम दे सकते हैं। मैंने 13 मिनट बाद निकाली LCD को, और हैंड एक बार वापस चालू करके और हैंड टर्न बंद कर दूंगा। मतलब आप इस तरीके से स्टेप फॉलो करोगे ना, तो इसके LCD के जो डॉट है ना, उस पर दबाव पड़ेगा, खींच के बाहर निकल जाएगी डॉट ही। इस तरीके से हमने LCD बबल रिमूवर से LCD को निकाला। अब हम इसको चेक करेंगे कितने डॉट रहे अभी भी। अगर डॉट और रहता है हल्का फुल्का, तो एक बार और डाल दो दोस्तों, गारंटी के साथ आपकी ये डॉट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर बड़े डॉट हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, अगर बड़े डॉट हैं तो उसमें टाइम लगेगा। और कस्टमर को आप टाइम दे दो, अगर कस्टमर नहीं मानता है तो उसके सेट को रख लो और उसको मशीन में पड़े रहने दो, तो धीरे धीरे L3 के जो डॉट हैं वो निकल जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हमारे थोड़े से कम हो गए थे बबल बबल क्या डॉट। अब इस वाले स्टेप में हमारे बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए डॉट, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 4 डॉट थे, पहला डॉट तो फर्स्ट टाइम ही निकल गया था, और सेकंड डॉट इस बार निकल गया। अब 2 डॉट रह गए हमारे, बहुत छोटे छोटे हैं, नाम मात्र के डॉट हैं। इसको हम एक बार और मशीन में डालेंगे और 100% गारंटी के साथ हमारा ये डॉट निकल जाएगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए हैं हमारे डॉट। इस तरीके से हम दोबारा LCD को बबल रिमूवर में डालेंगे, और अब हम इसको 14 मिनट बाद निकालेंगे। जैसे कि दोस्तों आप टाइमिंग देख लो, ऊपर 4 सेकंड हुए, अब यहाँ पूरे 14 मिनट के बाद मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से हमने LCD को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने डॉट हैं दोस्तों। इस बार हमारे डॉट पूरे 100% गारंटी के साथ निकल गया है। जैसे कि दोस्तों अब मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, हमारा डॉट बिल्कुल 100% गारंटी के साथ निकल चुका है। अगर आप भी इस तरीके से काम करेंगे, तो इसकी गारंटी श्योरिटी मैं देता हूँ कि आपके डॉट ज़रूर निकलेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारी LCD के जितने भी डॉट थे पूरे के पूरे रिमूव हो गए गारंटी के साथ दोस्तों। हमारे LCD में एक भी डॉट नहीं है। इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल की डिस्प्ले का डॉट निकाल सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। और दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो को देखा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए ही लाता हूँ मैं ऐसी स्पेशल स्पेशल वीडियो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद।